बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी बालाकोट की सैर करवाते हैं। बालाकोट मानसेरा शहर से 38 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़ है। मानसेरा से बालाकोट तक तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट का सफ़र है। बालाकोट का ये तारीखी कस्बा सयाहों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वादी कागान, शोगरान, सिरीपाए, नारान और बाबू सरटाप का रास्ता बालाकोट के इसी शहर से होकर ही जाता है। झील लोलू सर से निकलने वाला ये दरिया कुनहार बालाकोट शहर के क्लब से गुजरता हुआ मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए जहलम में जाकर गिरता है। ये ज़िला मानसेरा का एक अहम शहर है और इसे सबसे बड़ी तहसील का दर्जा भी हासिल है। मानसेरा से बालाकोट तक की ये रोड बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। मानसेरा से बालाकोट जाते हुए आप रास्ते में रोड के इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बाजार, छोटे छोटे खूबसूरत गांव, ये खूबसूरत छोटे छोटे होटल, हर तरफ सरसब्ज पहाड़, ये छोटी छोटी वादियां और फिर दरमियान में ये बहता हुआ दरिया, ये ठंडी ठंडी हवा, ये खूबसूरत नज़ारे देखकर इंसान किसी और दुनिया में खो जाता है। बालाकोट की इस वादी में आकर इंसान की थकान दूर हो जाती है और इंसान ताजगी महसूस करता है। इस इलाके पर अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम है कि हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर अलग सुकून मिलता है इंसान को, और क्यों ना मिले, ये वलियों की सरजमीन है। ये शहर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल का शहर है। बालाकोट को सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तहरीक मुजाहिदीन के बायस तारीखी अहमियत हासिल है। दोनों अजीम हस्तियों के मज़ारात इसी शहर में वाक़ हैं। बालाकोट तहरीक मुजाहिदीन का आखिरी पड़ाव था और सिखों के खिलाफ अजीम जदोजहद का आखिरी मरकज़। 6 मई 1871 को एक खूनरेज जंग के बाद सैयद अहमद और शाह इस्माइल ने बालाकोट की इसी सरजमीन को अपने खून से सुर्ख किया। 8 अक्टूबर 2005 के खौफनाक जलजले ने बालाकोट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। बालाकोट में बहुत कम घर ही बचे थे, बाकी सब तबाह बर्बाद हो चुके थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बालाकोट की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। बालाकोट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों का दीन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश अखलाक और मिलनसार होते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हफाज़ कुरान, मुफ्ती, बड़े बड़े आलम, मजहबी स्कॉलर्स बालाकोट में पाए जाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी जगह आपको बालाकोट का कोई आलम, कोई मुफ्ती, कोई मस्जिद का इमाम या मुअज्जिन ज़रूर मिलेगा। बालाकोट में गोजरी और हिंद को दो जुबानें ज़्यादा बोली जाती हैं। 2005 के जलजले से पहले का शहर और आज के शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज ये शहर बहुत फैल चुका है और अब ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर बन चुका है। बालाकोट के इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ हर किस्म की होटल दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। इस शहर में हर वक्त हज़ारों सयाह मौजूद होते हैं। कभी कभी होटल्स में कमरे मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में, लेकिन यहाँ सर्दियों में भी काफ़ी रश होता है। यहाँ की एक ख़ास बात यह भी है, बाकी शहरों की निस्बत यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी सस्ती मिलती है। यहाँ के खाने भी काफ़ी अच्छे और लजीज होते हैं, ख़ासकर बालाकोट का कबाब मुझे काफ़ी पसंद है। आप वादी बालाकोट का ज़रूर विज़िट करें। ये हमारे मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाका है। बर्फबारी के मौसम में इस वादी के हुसन में और भी इजाफा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और खूबसूरत मकाम पर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।